तो गाइस वेलकम दादा, एक स्वागत करता हूँ आपका खेत से, मेरे खेत से, हमारे खेत से। तो अभी मैं आया था अपने खेत पे कुछ काम से, बताता हूँ क्या काम है। काम कुछ नहीं था, मैं तो बस ऐसे घूमने आया था, घूमने मतलब सब्जी वगैरह तोड़ने लगी हुई थी। अभी आपको दिखा दूँगा सारी कुछ, आप कमेंट कर देना और प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके भाई के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये लगा है भाई साहब, क्या बोलते हैं, ककड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यार, तरबूज जैसा होता है यार, क्या होता है भाई, छोड़ो अभी याद आएगा तो बता दूंगा। फिलहाल ये देखो यहाँ पे लगी गिलकी का पेड़, हमने यहाँ पे सारे में गिलकी लगाई थी, ख़त्म हो गई तो उनको हटा दिया है और नई सब्जी यहाँ पे हमने लगा ली है। तो आप कमेंट कर देना कि आप ही सब्जी लगाते, क्या आप ही सब्जी उगाते। तो मिर्ची लगी है ना, आज आपको मिर्ची खा के दिखाऊंगा। तो भाई साहब अब भी मुझे याद आया कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पपाया, पपीता। ये देखो चार पाँच सात पेड़ लगे हैं। बस मैं आया था यहाँ पे धनिया पुदीने तोड़ने, लेकिन यहाँ पे धनिया तो दिखी नहीं थी क्योंकि छोटा छोटा है ना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं तो दिख जाए। फिलहाल वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे धनिया लगा है, और भाई साहब यहाँ पे लगी है देखो मिर्च। ये देखो भाई साहब प्राकृतिक चीज़ें, ये तो वैसे प्राकृतिक ही होती है, मिर्ची को बना थोड़ी सकते हैं। काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे, टमाटर के लगे हैं। मैं धनिया तोड़ लेता हूँ, काफ़ी छोटा छोटा है तो टाइम लगेगा, पहले इसको तोड़ लेते। YouTube फैमिली देखो, मैंने इतना धनिया तोड़ लिया है, इसके बाद इसमें धनिया नहीं बचा है तो मैं क्या करूँ। आलू लगे हैं यहाँ पे, टमाटर लगे हैं, टमाटर ढूंढ के मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। मतलब टमाटर तो इसमें काफ़ी सारे, पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि इट्स ऑल जस्ट, ये अभी पके हुई नहीं, कैसे खा सकते हैं यार कच्चे टमाटर, बता फिर कच्चे टमाटर की सब्ज़ी भी नहीं बनती है तो मैं कैसे खाऊँ। तो सारी सब्जियां यहाँ पे लगी हैं अपने भट्टे वगैरह, यहाँ पे टमाटर, मिर्ची और ये गिलकी, और बस इतना ही है यार अपना। और यहाँ पे वही बताया था मैंने, पपाया पपीता, हर बार इसका नाम ही भूल जाता हूँ। मैं देखता हूँ सब्जी के लिए, घर वालों ने बोला था मम्मी पापा ने कि इसमें से ये तोड़ के लाना। ये देखो मिल गई इनको तोड़, अरे यार टूट गई भाई साहब। क्या आपने भी ये कभी उगाई हैं, आपने कभी खाई हैं? मुझे तो सही बताओ ना, स्पेशली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ये, और जो क्या बोलते हैं लौकी, दोनों बेकार लगते हैं। बट अगर सही बना दो ना कोई, मम्मी बनाती है तब तो एक नंबर लगती है, लेकिन जब मैं बनाता हूँ तो बेकार ही लगती हैं। ओ भाई साहब ये क्या, इतनी छोटी इतनी बड़ी, यार ये सब्जी लायक नहीं है क्योंकि ये हो गई कर्री। कर्री बोले तो ये अब काम की नहीं रही, एक्सपायर हो चुकी है। यहाँ पर एक और मिली, यहाँ पर भी मिली, वो भी एक्सपायर, और ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाली छोटी इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाएगी। और भाई साहब जो भी गांव से इस वीडियो को देख रहा हो, प्लीज़ अपने गांव का कमेंट में नाम लिख के और बताएं कि गांव में आपको अच्छा लगता है या शहर में। पर्सनली मैं बताऊं ना तो मैं कहूंगा कि यार गांव जैसी जगह किसी भी शहर में नहीं हो सकती, क्योंकि गाँव की बात ही अलग है, जो गाँव बाद में है ना वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरा गाँव मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर अपन को इतनी सारी सब्जी मिल गई, तो रखते हैं पन्नी में और आगे चलते हैं, थोड़ा और ढूंढते हैं कुछ। ये देखो गाइस मैं इस तरह पाया था, मतलब तार फैन थी ना उस पर लटका दी थी, लगाई थी उस पर भी लगी, तो थोड़ी बस इससे भी तोड़ लेता हूँ ताकि सब्जी बढ़िया बने, मज़ा आए। ये देखो यहाँ पे लगी, ये क्या है भाई साहब, इतनी ये ख़राब हो गई, देखो कितनी बेकार है ये, दिख रही है इसकी दीवारें, मैंने ही बनाई थी मजाक कर रहा हूँ, मैंने ही बनाई थी। तो मेरे मित्रों साथियों जो भी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मुझे सख्त ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, 1000 होने वाले हैं गाइस, यार सब्सक्राइब करवाओ चैनल को। और ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है चारों तरफ। तो चलता हूँ घर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें अपना नाम, काम का नाम, और जहाँ से भी आप हैं, और कमेंट में लिख दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।